ओके क्लास, यस नमस्कार एवरीवन, नमस्कार बेटे, नमस्कार। ओके ओके ओके, देखिए बेटे आज हम हिंदी में व्याकरण में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। अंकुश ऑफ योर माइक। मैम अपनी स्कूलिंग कब खुलेगी? बेटा आपको पता है आज पेपर में आ गया ना, 6 से 8 तक का तो अपना मंडे से स्टार्ट है, पर नेक्स्ट मंडे से आई थिंक फर्स्ट टू फिफ्थ भी स्टार्ट है। यस मैम, हमारे लोगों को खुल जाएंगे अपने स्कूल। ओके चलिए अपन ये देखते हैं कंटिन्यू। अभी चैप्टर नंबर 3 है शब्द और वाक्य। सबसे पहले डायग्राम में देखिए शब्द के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रत्येक चित्र को ध्यान से देखिए तथा उसके नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अंकुश ऑफ योर माइक। अंकुश माइक बंद करो अपना। सबसे पहले वाली पिक्चर है ये उपवन की है। किसकी पिक्चर है ये? उपवन को बगीचा भी बोलते हैं, बाग भी बोलते हैं। बाग और बगीचा दोनों बोलते हैं उपवन को। अब देखो अंकुश ऑफ योर माइक। अंकुश मैंने अंकुश को क्लास से लीव कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल मेरी नहीं सुन रहे थे। अब किसी बच्चे ने अगर माइक ऑन करके बीच में डिस्टर्ब किया तो मैं क्लास में लीव कर दूंगी। अब देखिए आप उपवन लिखा हुआ है, ये रहा उपवन। लिखने में तो देखो एक शब्द है छोटा सा उपवन, लेकिन ये किस किस अक्षर से बना है, किस किस वर्ण से बना है ये आपको दिखाया है। इसमें उ प फिर अ फिर व फिर अ फिर न फिर अ। इज इट राइट? यस मैम। अच्छा अच्छा ये बताओ मुझे उ के साथ में है क्यों नहीं आया? मैम क्या उ के साथ में ए क्यों नहीं आया, जैसे पै के साथ, व के साथ और मैं के साथ? मैम क्योंकि वो स्वर है। वेरी गुड, क्योंकि वो स्वर है। ठीक है वो स्वर है इसलिए नहीं आया है। अंकुश अगर अब आपकी आवाज आएगी तो मैं आपको अगेन लीव कर दूंगी क्लास से, ध्यान रखना। देखिए इसलिए, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर व्यंजन के साथ ए स्वर छुपा हुआ रहता है। जब हम किसी भी स्वर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलते हैं तो उसमें ए की आवाज जरूर आती है। क ख ग किसी को भी ले लो, देखो प व न इनमें सब में ए की आवाज आ रही है, इसलिए के साथ ए की ध्वनि तो आएगी ही आएगी। इसलिए जो उपवन छोटा सा शब्द है, दिखने में तो उसमें चार लेटर दिख रहे हैं, छोटे छोटे से चार अक्षर, लेकिन इसमें कितनी ध्वनियां होती है टोटल? 7। कितनी होती है? 7। 7 ध्वनि है उ प अ व अ न अ। इसी तरह से मोटर, कितनी अच्छी मोटर है, देखो मोटर को देखो मोटर, इसमें साफ दिखाई दे रहा है मैं के साथ ओ जो मात्रा होती है वो स्वर है, वो हमेशा मात्रा के रूप में होता है। इसलिए जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो इसमें मात्रा को हम ऐसे प्लस करके ओ नहीं लगाएंगे, हम इसको प्लस करके ओ की मात्रा दिखाएंगे तो ओ लिखेंगे। जो ओ होता है स्वर वो एक मात्रा है, तो मैं के साथ ओ आएगा, तय के साथ ए आएगा और रे के साथ में भी ए आएगा। यस यस, तो मोटर को संधि विच्छेद इस तरह से होता है। तो मोटर दिखने में तो तीन अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन वैसे टोटल है वो 1 2 3 4 5 6 इसमें ध्वनियां होती हैं। और ये संधि विच्छेद हम कर सकते हैं ना, आता या नहीं आता हमें? मैम आता है। इन वर्ण का विच्छेद करके लिखते हैं ना, तो हमको अच्छी तरह से ये चीज आती है कि कैसे लिखना है। आगे देखिए, हाँ जी, इसके बाद है उपवन तथा मोटर शब्द कई वर्णों से मिलकर बनती है। मोटर और उपवन शब्द ये कई वर्णों से मिलकर बने, देखिए इसमें कितने सारे स्वर और व्यंजन आ रहे हैं। शब्द का निर्माण है वो इसलिए पता लग गया ना, जैसे आपका नाम लो चाहे मेरा नाम लो, अगर मैं बोलती हूँ लक्षित्व, अगर मैं बोलती हूँ गीतांजलि या वैभव, किसी का भी नाम लो देवांगी, दिखने में तो नाम छोटा सा है देवांगी, तीन ही लेटर आ रहे हैं, लेकिन इसे ध्वनि बहुत होती है। और ये देवांगी किससे बनता है?
वर्णों से मिलके बनता है। हर जो नाम है वो रूबल, हाँ, ये सारे नाम, कोई भी शब्द है वो वर्णों से मिलके बनता है। और वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, यस, स्वर और व्यंजन से मिलकर ही हर एक शब्द बनता है। अब आपको अच्छे से बता सकते हैं वर्णों के मेल से क्या बनता है? मैं शब्द। अच्छा, और शब्दों के मेल से क्या, शब्दों के मेल से क्या बनेगा? वाक्य। वाक्य इज राइट। ओके, तो अब शब्द की परिभाषा हो गई, हमें पता लग गया शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। निश्चित अर्थ देते हैं उसी शब्द के, बिल्कुल उसका अर्थ, उसका जो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको, आप सुनिए मेरी बात, अगर आपको आपका नाम, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं उसे शब्द कहते हैं। इट्स ओके बेटा, राइट है, राइट है, डोंट रिपीट बेटे, बिल्कुल सही है। अब हमें पता लग गया कि शब्द क्या होता है। शब्द में आप कोई भी वर्ण उठा के नहीं रख दोगे, ऐसे रखना कि उसका अर्थ वो क्लियर समझ में आए, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे उपवन था, मैं न पहले रख दूं, उ पीछे रख दूं तो न प व उ न प उ तो कुछ होता ही नहीं है। वर्ण है उनका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी शब्द का निर्माण होता है। ओके जी, देखिए तो आंसर क्या, शब्द की परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं, क्लियर हो गया। इसी तरह आपको एग्जांपल दे दिया घर का और कमल का, और घर और कमल में हम इस तरह से अलग अलग से वर्ण और जो भी वर्ण आ रहे हैं वो दिखा सकते हैं। चलिए अब आ गया शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण दो आधारों पे होता है, एक तो होता है प्रयोग के आधार पर एंड प्रयोग के आधार पर, यस, प्रयोग और अर्थ के आधार पे होता है। प्रयोग के आधार पे शब्द दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी और मैम अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। हाँ जी, करेक्ट है भैया, मैं पढ़ा रही हूँ आपको आगे, ठीक है? आगे सुनो, प्रयोग के आधार पे दो तरह के हैं, विकारी और अविकारी। सबसे पहले विकारी देखेंगे बेटा। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक के कारण विकार आ जाता है, जैसे संज्ञा और सभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी शब्द होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ विकारी शब्द बताइए तो आप बता सकते हैं कि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया वाले शब्द सारे विकारी शब्द होते हैं, क्लियर हुआ? और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग परिवर्तन या वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं आता है, यस, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे आप किसी शब्द का लिंग परिवर्तन करो, चाहे किसी शब्द का वचन बदलो, चाहे उसके कारक के अनुसार चेंज करो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अविकारी शब्द होता है। सभी संबंध बोधक, पिश्मी आदि बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण शब्द है वो अविकारी शब्द है। पिश्मी आदि बोधक होते हैं, संबंध बोधक होते हैं, वो सारे के सारे अविकारी शब्द होते हैं। ओके, इसमें आपका अभी इतना डिटेल में नहीं आएगा। अर्थ के आधार पे जो है वो मेन हमें देखना है। अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सार्थक प्रकार के, निरर्थक शब्द और निरर्थक। ओके, सार्थक और निरर्थक, यस यस बेटा, आगे सुनो, डेफिनेशन सुनो। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, कोई अर्थ होना चाहिए। ओके, जैसे गाय है, चाय है, ऐसे सार्थक शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, ऐसा नहीं कि वो मीनिंगलेस है। देखिए एग्जांपल देखेंगे आके, जैसे कमल, कुर्सी, घर, विद्यालय, ये सारे इनका अर्थ है, प्रॉपर अर्थ है। हमें पता है कुर्सी क्या होती है, विद्यालय क्या होता है, हमें पता है घर क्या होता है, कमल का फूल क्या होता है, ठीक है? और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हाँ, और इसका एग्जांपल मैंने दिया था, कोई घर पे आता तो वो कहता है ना, भाई चाय वाय पिलाओ, तो चाय तो पता है लेकिन वाय नहीं पता क्या होता है। आप एक वो शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है वो मीनिंग लेस अर्थ है, मीनिंग लेस शब्द है। कोई आपको बोलेगा ना भाई चाय वाय बनाओ, तो आप ये जवाब देना, अंकल चाय तो हम नहीं बनाएंगे, वाय बना देंगे। बोलो वाय क्या होता है? हाँ वो निरर्थक शब्द है, वाय कुछ नहीं होता है ना। इसी तरह से मम्मी भूख लग रही है भाई, कोई रोटी वोटी लाओ, मम्मा क्या कहेगी, रोटी तो खत्म हो गई, रोटी खा लो। हाँ मैम, बहुत ही निरर्थक शब्द है।
वोटे निर्थक शब्द, ये नहीं पता वोटी होता क्या, वोटी का कोई अर्थ नहीं है। तो वो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं निकलता, उनको निर्थक शब्द कहते हैं। इसी तरह से देखो हो गया वाय, खाना वाना, अरे खाना वाना बना लो भाई, 10 बज गए, तो वाना क्या होता है, खाना तो मालूम है, निरर्थक शब्द, जी निरर्थक शब्द है। तो जो वाना है, वाय है, वोटी है, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए निरर्थक शब्द है। देखिए, नाउ वी आर ऑन वाक्य सेंटेंस। जैसे मैं आपको ये बोलती हूँ कि कोई भी सेंटेंस उत्कर्ष बीच में मत बोलो, ये एक वाक्य है मेरा, ठीक है, मेरा वाक्य भी है, तुम्हें सच में मैं बोल भी रही हूँ। तो उत्कर्ष बीच में मत बोलो, इसमें कितने सारे शब्द आ गए, उत्कर्ष बीच में मत बोलो, 5 वाक्य पूरे शब्द आ गए। तो शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य, 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 हाँ बिल्कुल, सार्थक शब्द ही होने चाहिए, उल्टे सीधे शब्द जो निरर्थक है उनका तो कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह से जैसे अपन कुछ भी कहेंगे कि मुझे खाना खाना है, तो मुझे खाना खाना है, 4 शब्द मिले जब एक वाक्य बना है। तो अब क्लियर हो गई वाक्य की परिभाषा, कि आपको इसमें एग्जांपल भी दिए हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल आपको मेरे अकॉर्डिंग समझा दिए, मैं ये भी आपको रिवाइज कर दूंगी अभी। तो वाक्य क्या होगा, वाक्य की क्या डेफिनेशन होगी, बोलिए, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ये भी सही है, लेकिन हमें ये क्या कहना है कि लेकिन वाक्य का भी मीनिंग निकलना चाहिए। आप तो जैसे आपका ये सारे वाक्य सही है, कौन से वाले, अभी मैंने बोला था मुझे खाना खाना है, लेकिन इन शब्दों को मैं इधर उधर रख दूं, खाना है मुझे खाना, क्या सही लगेगा ये, नहीं, सार्थक शब्दों का जो हम बेटा, सार्थक शब्दों का जो हम मेल कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर होना चाहिए, वाक्य का भी अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि किसी भी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। प्रकट हो जाना चाहिए आपके वाक्य का क्या मीनिंग है, क्या सेंस है, ठीक है। देखो एग्जांपल, देखो सीमा गाना गा रही है, भाई सीमा मैम गाना गा रही है, देखो वो तो ड्राइंग करते हैं, आज वो गाना गा रहे हैं। आगे देखो, मोर नाच रहा है, देखो डेजी मैम ने मोर को भी नचा दिया, तो मोर नाच रहा है, सीमा गाना गा रही है, और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये तो सही है भाई, दादाजी पढ़ते हैं अखबार, तो ये सारे वाक्य हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे लिखा हो अखबार पढ़ है जी दादा, बड़ा अजीब लगेगा, इसलिए सार्थक शब्दों का मेल है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ऊपर लिखे गए वाक्य एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, एक से अधिक शब्द है इसमें, देखो जैसे ये रहा 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो शब्द है वो एक से ज्यादा है, तो हो गया कि एक से अधिक शब्दों से मिलकर वाक्य बने हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में क्रिया है, क्रिया ये ना, मोर नाच रहा है, तो नाच रहा है क्रिया लास्ट में आ रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो इसके वाक्य के भी लास्ट में क्रिया आ रही है, पढ़ना आ रही है ना, क्रिया तो आपको समझाया था, याद है ना। और सीमा गाना गा रही है, तो गा रही है ये क्रिया, ये भी वाक्य के लास्ट में आ रहा है, तो हर वाक्य के अंत में क्रिया आती है, लास्ट यानी होता है अंत, ठीक है। और सभी वाक्य अर्थ देते हैं, प्रत्येक वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग किया जाता है, कोई भी वाक्य होता है उसमें जो शब्द यूज में आते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्दों का सही क्रम में प्रयोग किया जाता है, चलिए ठीक है। इसके बाद वाक्य के अंग आ गए, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उदय और विदेश्य, उद्देश्य विधेय, किसी बच्चे ने बोला है उदय और विदेश्य, ये भी कौन सा होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, उदय और विदेश्य, नो विदेश्य, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, यस यस। अगर मैं कहती हूँ कि गीतांजलि बहुत अच्छा गाती है, लिसन एवरीवन, तो मैंने नाम लिया गीतांजलि और बहुत अच्छा गाती है, तो मैंने किसके बारे में बात की है,
मैं बहुत अच्छा गाती हूँ मैम की तान। थर्ड क्लास कीप क्वाइट एवरीवन, कीप क्वाइट, इतना लाउडली मत चिल्लाइए बेटा प्लीज, मुझे किसी बच्चे की आवाज समझ में नहीं आती है, मैं खुद ही क्लियर कर देती हूँ, आपसे पूछती हूँ तो आप सब एक साथ चिल्लाते हो। अगर मैं बोल रही हूँ कि गीतांजलि अच्छा गाना गाती है, चलो तो मैंने बात की गीतांजलि के बारे में, तो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य एक होता है विधेय, तो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो होगा उद्देश्य। गीतांजलि गाना गा रही है, इसमें गीतांजलि के बारे में बात कर रही हूँ वो तो हो गया उद्देश्य, और गाना गा रही है वो बचा हुआ पार्ट हो गया विधेय। Am I right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, okay. Yeah. Okay, बेटा, अगर मैं कहती हूँ कि गाय घास खा रही है, तो इसमें उद्देश्य हो गया गाय और घास खा रही है क्या हो गया? विधेय। Okay. तो अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या होता है, तो आप ये कहेंगे वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या आंसर होगा? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, मैं कुछ कहा जाता है उसे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, देखो राघव स्कूल जा रहा है, सौम्या पढ़ रही है, तो इसमें राघव और दूसरे वाले में सौम्या, ये दोनों उद्देश्य हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं विधेय की। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है, वाक्य तो वही हो गया और उसमें जो उद्देश्य है ना सबसे पहले वाला जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो बचा हुआ पार्ट पूरा वाक्य का विधेय होता है। जैसे फर्स्ट वाला था राघव उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। चलिए ठीक है, फिर क्या क्लियर हुआ? राघव स्कूल जा रहा है, राघव हो गया उद्देश्य, स्कूल जा रहा है ये हो गया विधेय। सौम्या पढ़ रही है तो सौम्या हो गया उद्देश्य और पढ़ रही है ये हो गया विधेय। Now it's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर्ता को छोड़ के पूरा विधेय वाक्य, पूरा वाक्य विधेय होता है। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। जैसे मैं बोल रही हूँ ना राघव स्कूल जा रहा है, तो राघव कर्ता हो गया और उसके बचा हुआ पार्ट है वो पूरा का पूरा विधेय हो जाता है। अब देखो, चलिए ये वाला चैप्टर आपको समझ में आया नहीं आया पहले ये बताइए आप मुझे। मैम आ गया। अच्छा, तो आपको ये पता चल गया शब्द किसे कहते हैं? यस मैम। मैम आई एम अंडरस्टैंड। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, तो अपना समझ में आ गया शब्द किसे कहते हैं। दूसरा आ गया, वाह सो क्यूट। ओके देवांगी, ओके मैम आई अंडरस्टूड। ओके बेटे, ओके गुड। शब्द किसे कहते हैं हमें पता लग गया, शब्दों का किस आधार पे अपने को भाग बताने थे, पार्ट बताने थे, वो क्लियर हो गया। सार्थक शब्द पता है, निरर्थक शब्द पता है, फिर हमें वाक्य की डेफिनेशन पता है और वाक्य के दोनों पार्ट पता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो होता है उद्देश्य, और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में कही गई बात विधेय होता है। इस चैप्टर में मेन ये चीज थी। वेट,